फिरोजाबाद के एसएसपी ऑफिस पहुंची रश्मि ने एसएसपी के यहां गुहार लगाई है कि उसका पति उसे रखना नहीं चाहता। रश्मि का कहना है कि वो मुझे पसंद नहीं करता और दहेज की भी मांग करता है। रश्मि के पिता का कहना है कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले रख नहीं रहे हैं। इसकी शिकायत लेकर हम यहां आए हैं जिससे मेरी बेटी को इंसाफ मिल सके। क्या नाम है? रश्मि। रश्मि, बताओ तुम्हारी शादी कब हुई थी और कहाँ हुई थी? 2 साल पहले हुई थी। तो क्या क्या आज यहाँ एसएसपी ऑफिस आए हो? क्यों आए हो? यहाँ एसपी से मिलने आए हो? किस लिए मिलने आए हो? रखने नहीं जा रहे हैं मेरे ससुराल वाली। क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैं तो ये रखूँगा नहीं, मुझे पसंद नहीं है, काली है, पतली है। चार बार देखो बोल। कोई दहेज की मांग भी करते हैं? हाँ, 3 लाख रुपए। ये कहते हैं कि 3 लाख रुपए लेके आ तब तुझे रखूंगा। इसकी शिकायत आपने पहले भी किसी अधिकारी से की है? हाँ, सबरंग घूमे आए, मेला थाने, रसूलपुर थाने। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ मैं अपने घर पे जाऊँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतिराम है। ये बताइए यहाँ एसएसपी और एसपी कार्यालय आए, क्यों आए? मेरी लड़की को परेशान करते हैं, बिल्कुल रखना नहीं चाहते। बिल्कुल कौन लोग? ससुराल पक्ष के। कब शादी की थी बेटी की? 2 साल पहले। कहाँ से? कहाँ शादी की? जे रसूलपुर पानी की टंकी के सामने गली नंबर 11। क्या नाम है उनका? उनका राम सनई राठौर। क्या कहते हैं? वो रखना नहीं चाहते बिल्कुल। जो कहते हैं हम जेल जाने को तैयार हैं, रखेंगे नहीं। क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, और दहेज मांगते हैं। 3 लाख रुपये और लाओ, 10 लाख रुपये में शादी करी, 3 लाख रुपये और दो तब रखेंगे। अधिकारियों के पास आए, तो इससे पहले भी कहीं शिकायत की थी आपने? हाँ, कई जगह शिकायत करी है। मारपीट करते हैं, कई जगह शिकायत करी है, और वो भी डीएम एसपी के यहाँ, डीआईजी के यहाँ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई बिल्कुल। आए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरी लड़की के घर